हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी को नई वीडियो में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इंस्टाग्राम पर कोई भी रील्स या फिर पोस्ट शेयर कर देते हैं, ठीक है, अपलोड वहां पर कर देते हैं, तो उसको कैसे हाइड कर सकते हैं। फ्रेंड, आपका फ़ोन जो है घर में ऐसे ही पड़ा रहता है, किसी के भी हाथ में आपका फ़ोन, मतलब घर में कोई भी यूज़ कर लेता है, कोई भी चला लेता है, तो उस पर आप कई तरह की जो है पोस्ट अपलोड कर देते हैं, और जो कोई भी व्यक्ति घर में होता है वो कहता है कि ये वाली पोस्ट सही नहीं है, इसको डिलीट करो। मान लीजिए आपका भाई है, आप कोई गर्ल हैं, या फिर आप बॉय हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई भी कहता है कि इसको डिलीट करो, यहाँ पे नहीं रखनी है, तो आज मैं बताता हूँ कि उसको कैसे हाइड कर सकते हैं, या फिर आपको खुद को अच्छी नहीं लगती है और आप उसको वहाँ से हाइड करना चाहते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप उसको हाइड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, बिना किसी एप्लीकेशन के। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम के अंदर चले जाना है। फ्रेंड, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपके सामने सबसे पहले आए। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है जैसे आप अपने इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं। वहां पर आपने जितनी भी पोस्ट यहां पर क्रिएट कर रखी होती है, अपलोड कर रखी होती है इस पर, तो यहां पर देखिए सबके सब आ जाती है। यहां पर मैंने 3 पोस्ट अपलोड कर रखी हुई है, तो यहां पर देखिए 3 पोस्ट यहां पर बन करके आ रहा है। उसके बाद में फ्रेंड, आपको अगर ऊपर की तरफ करेंगे तो यहां पर सबका सब आपके होम पेज पर जो है जितनी भी यहां पर शो हो जाती है, तो यहां से भी हट जाएंगी ये वाली, ठीक है, और यहाँ से भी ये जो यहाँ पर 3 दिख रहे हैं ये भी यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाएंगी, यहाँ पर ये 0 हो जाएंगी, और ये यहाँ से भी बिल्कुल 0 हो जाएंगी। अब इसको जब आप चाहें तब देख सकते हैं, तब वापस ला सकते हैं, और जब चाहें तब इसको हाइड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो फ्रेंड वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अगर वीडियो को आप स्किप करेंगे तो आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो फ्रेंड देखिए, इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको, जैसे मान लीजिए ये वाली आपकी एक वीडियो है, ठीक है, आप यहाँ से इसको हाइड करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको यहां से इसको प्ले कर देना है। उसके बाद में आपको यहां से 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहां से देखिए अर्चिव यहां पर लिखा हुआ है, आपको यहां पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, ये जो है आपकी यहां से हाइड हो चुकी है। देखिए फ्रेंड, यहां से हाइड हो चुकी है बिल्कुल, अगर ये यहां पर होगी तो यहां से भी हाइड हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये दूसरी वीडियोज़ है, ये वाली, ठीक है, ये वाली वीडियोज़ वहाँ पर थी, एक यहाँ से हाइड हो चुकी है। अब मैं यहाँ से ये दूसरी भी आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये वाली, ये सिर्फ पोस्ट है, पोस्ट पे गाना लगा हुआ है, तो आपको यहाँ से फिर से यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, और फिर से यहाँ पर देखिए आर्चिव का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ से इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये यहाँ से देखिए फ्रेंड, ये भी यहाँ से हाइड हो गई, अब यहाँ पर एक बची है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये यहाँ से आप वापस कैसे लाएंगे और ये कहाँ पर जा रही है। अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ एक पोस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, अभी यहाँ पर 3 पोस्ट थी क्योंकि 2 हमने यहाँ पर हाइड कर दिए हैं। तो देखिए आप यहाँ से भी इसको, मैं यहाँ से अब हाइड कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए 3 डॉट पर जाएंगे, फिर यहाँ पर अर्चिव के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ से ये हाइड हो चुकी है बिल्कुल, 9 पोस्ट यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए बिल्कुल भी यहाँ पर पोस्ट नहीं है, 0 पोस्ट यहाँ पर आपको दिखाएगा, देखिए यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब फ्रेंड इसको वापस लाना है आपको, तो किस तरीके से ला सकते हैं। फ्रेंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है और आप सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड उसके बारे में बताता हूँ कि आप उसको वापस कैसे लाएंगे। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर 3 लाइन है, आपको यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखिए आर्चिव लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड इसके अंदर देखिए आपकी जितनी भी वीडियोस आपने हाइड कर रखी होंगी, सबकी सब वीडियोस जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे आपकी, ठीक है। तो आपको यहाँ से करना क्या है, आपको वीडियोज़ को देखिए प्ले यहाँ से कर लेना है, और यहाँ पर आपको 3 लाइन पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर लिखा हुआ शो ऑन प्रोफाइल, ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर शो ऑन प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, फिर ऐसा ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ पर शो ऑन प्रोफाइल पर आपको एक बार क्लिक कर देना है, और ये जो वीडियो फ्रेंड आपकी, ये आपकी वापस से वहीं पर चली जाएगी। देखिए एक पोस्ट यहाँ पर आ गई है, आप इसको यहाँ से देखिए, नीचे यहाँ पर नहीं दिख रही, तो आप इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे। जैसे आप इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद में देखिए एक पोस्ट यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अगर आपको यहाँ नहीं मिलती तो आपको यहाँ वीडियो वाले सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है, एक पोस्ट। अब यहाँ से हमें दूसरी भी लानी है, तो यहाँ से फिर वही सेम प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर आर्चिव पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद में, और फिर इसके बाद में यहाँ से फिर से इस पर क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ ऊपर 3 लाइन पे कोने पर क्लिक करेंगे 3 डॉट पर, फिर यहाँ से शो ऑन प्रोफाइल पर क्लिक करके दोबारा से शो ऑन प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे। देखिए फ्रेंड ये भी यहाँ से आ चुकी है, अब यहाँ पर 2 पोस्ट जो है वो आपकी हो चुकी है। देखिए यहाँ पर अगर नहीं आती है तो आपको रिफ्रेश कर लेना है, यहाँ पर 2 पोस्ट हो चुकी है। अब बची हमारी तीसरी, तो हमको तीसरी भी करनी है, तो यहाँ पर फिर से हम 3 लाइन पर चले जाएंगे, फिर यहाँ पर अर्चिव पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद में फ्रेंड फिर यहाँ पर इस
पर क्लिक करेंगे वीडियोस पर, और यहाँ थ्री डॉट पर आप क्लिक कर देंगे इसके ऊपर, और फिर यहाँ पर देखिए शो ऑन प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, दोबारा से आप यहाँ पर रिट्राई करेंगे, उसके बाद में देखिए फिर से यहाँ से बिल्कुल गायब हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर ये टू पोस्ट थी, अब ये यहाँ पर देखिए थ्री पोस्ट हो चुकी हैं, और देखिए तीनों के तीनों यहाँ पर वापस भी आ चुके हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से आप किसी भी अपने वीडियोस को या फिर फोटोज़ को यहाँ से हाइड कर सकते हैं, किसी भी स्टोरीज़ को, तो फ्रेंड बहुत ही आसानी के साथ। फ्रेंड आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।